हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल आर्टिस्टिक विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया से 6 फ्लेवर में आइसक्रीम। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाला है, यानी इसका जो मेन बेस है हम सिर्फ 2 चीज़ों से ही बनाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे फटाफट से, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, और बनाने में उतनी ही आसान है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि सब लोग इसे आसानी से बना सके। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है ये अमूल फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पे हमें 2 बाउल अमूल फ्रेश क्रीम लेना है, यानी 2 कप हमें लेना है, ये देखिए। तो क्वांटिटी आप आपकी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो फ्रेंड्स, पर 6 आइसक्रीम के लिए इतनी क्वांटिटी परफेक्ट है। हम इसे कर लेंगे फ्रेंड्स बीट, यानी हम इसे 2 से 3 मिनट तक हमें इसे बीट करना है, यानी इसमें जो क्रीम और मिल्क जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है, तो इसीलिए हमें इसको एकदम स्मूथ ऐसा टेक्सचर देना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पाउडर शुगर। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कप पाउडर शुगर लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पर कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। और पाउडर शुगर ऐड करने के बाद में हम इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए फेंट लेंगे, ताकि इसका जो टेक्सचर है वो अच्छे से क्रीमी हो जाए और शुगर जो है वो अच्छे से क्रीम में मिक्स हो जाए। तो इस तरह से, अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, तो आप हाथ से भी इसे कर सकते हो। और ये देखिए, ये हमारा बैटर तो बनके तैयार हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने अब ले लिया डिस्पोजल, ये कप ले लिया है। आप चाहे तो किसी में भी इसे सेट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे सेम पोर्शन में, इस तरह से। आप चाहे तो इसे कटोरी में भी बना सकते हो, आप चाहे तो इसे कप में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये परफेक्ट मेजरमेंट है 6 फ्लेवर के आइसक्रीम के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने कॉफ़ी ले ली है 1/2 चम्मच, और इसमें मैंने डाल दिया है गर्म पानी बिल्कुल 1 टेबलस्पून जितना, और इसे मैंने मिक्स करके रख दिया है, ताकि कॉफ़ी जो है वो अच्छे से घुल जाए पानी में। और अब हमें इसमें डाल देना है कॉफ़ी, हम ये बनाएंगे कॉफ़ी फ्लेवर वाली आइसक्रीम। तो इस तरह से, तो ये फ्लेवर जो है फ्रेंड्स, आप कम ज़्यादा आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जितना आपको जैसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है। तो मैं थोड़ा कॉफ़ी का जो फ्लेवर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच जितना कॉफ़ी का मिक्सचर डाल दिया है इसमें, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये देखिए, ये हमारी कॉफ़ी फ्लेवर वाली आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। तो इसे फ्रेंड्स रख देंगे हम साइड में। नेक्स्ट हम बनाएंगे रोज़ आइसक्रीम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून गुलकंद, और गुलकंद ऐड करने के बाद में हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें मैं डालूंगी 3 से 4 ड्रॉप रेड फूड कलर। तो आप गुलकंद की जगह पे फ्रेंड्स रोज़ एसेंस भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसमें रूह अफ़ज़ा का शरबत भी यूज़ कर सकते हो। तो जो आपके पास अवेलेबल है आप वो इसमें ऐड कर सकते हो। और इसमें अच्छे से इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये देखिए, ये हमारी रोज़ वाली आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें मैंने कोई एसेंस नहीं डाला है, क्योंकि इसमें हमने गुलकंद डाला है फ्रेंड्स, तो इसमें ज़रूरत नहीं है कोई एसेंस की। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे पाइनएप्पल फ्लेवर वाली। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स पाइनएप्पल क्रश ले लिया है, और क्रश हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितना क्रश ऐड किया है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे फूड कलर। तो ये लिक्विड फूड कलर है फ्रेंड्स, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट कलर रहे तो भी चलेगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आइसक्रीम है ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस तरह से एक ही यानी बेस से आप बहुत सारी आइसक्रीम बना सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट बनाएंगे अभी चॉकलेट आइसक्रीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी आप चॉकलेट ले सकते हो, मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ किया है। चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने मिल्क ऐड किया है, और मिल्क ऐड करने के बाद में मैंने उसे माइक्रोवेव कर लिया 30 सेकेंड के लिए, और उसके बाद में ये चॉकलेट सॉस बन गया है।
आप चाहे तो चॉकलेट सॉस भी डाल सकते हो रेडीमेड जो आता है, या आप डेरी मिल्क को भी मेल्ट करके डाल सकते हो। सिर्फ मेल्ट करते समय आपको थोड़ा सा उसमें मिल्क ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो चॉकलेट सॉस जो है वो लिक्विड ही होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। तो मैं और इसमें थोड़ा सा ऊपर से डाल दूंगी इस तरह से। ये भी बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, चॉकलेट आइसक्रीम तो बहुत ही फेवरेट है मेरी। और ये देखिए, इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़े से चोको चिप्स, तो आप इसे ग्रेटेड चॉकलेट भी डाल सकते हो उसके ऊपर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैंने ये टूटी फ्रूटी ले ली है, ये होममेड है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चाहे तो आप इसमें एसेंस डाल सकते हो, वेनिला एसेंस, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वो डाल सकते हो। और इसमें मैं डाल दूँगी बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन फूड कलर। तो ग्रीन फूड कलर ये टोटल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहे तो डाल सकते हो, या आप चाहे तो इसे वाइट भी रख सकते हो, या आप और भी कोई कलर ऐड कर सकते हो। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप बहुत सारी आइसक्रीम इसे बना सकते हो। और मैंने बहुत सारी आइसक्रीम के वीडियोस आपसे ऑलरेडी शेयर किए हैं, डेट्स की आइसक्रीम भी मैंने शेयर की है, मैंने पान फ्लेवर की आइसक्रीम भी आपसे शेयर किए हैं। तो वो सारी वीडियोस आप मेरे चैनल आर्टिस्टिक विजन पे जाके देख सकते हो। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही बढ़िया सी टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। तो चलिए हम लोग अब लास्ट बनाएंगे ड्राई फ्रूट आइसक्रीम, केसर ड्राई फ्रूट आइसक्रीम। तो चलिए, यहाँ पे मैंने बादाम ले लिए है, काजू भी लिया है थोड़ा सा, और थोड़े से डेट्स और थोड़ा सा किशमिश लिया है। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है फ्रेंड्स। आप चाहे तो ग्राइंडर में इसका पाउडर भी बना सकते हो, पर बारीक चॉप करी हुई ज़्यादा अच्छा लगता है आइसक्रीम में। तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से बादाम, थोड़ा सा काजू, और इसमें डाल दूंगी थोड़े से डेट्स जिसे मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये जितनी भी आइसक्रीम मैंने बनाई है उसमें एसेंस का यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो इसमें डाल सकते हो जो भी आपको फ्लेवर पसंद है, क्योंकि हमने जैसे पाइनएप्पल क्रश डाला है, और रोज़ के लिए हमने गुलकंद डाला है, तो ये सब फ्लेवरफुल होते हैं, तो एसेंस की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ऑरेंज कलर डाल दिया है। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। और ये देखिए, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी केसर। और ये भी हमारी लास्ट वाली ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम तो बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से आप एक बैटर से 6 फ्लेवर की आइसक्रीम आराम से घर पे बना सकते हो, और कोई भी फ्लेवर की आप बना सकते हो सिंपल एक बैटर से। और बहुत ही आसानी से बनती है फ्रेंड्स, और खाने में उतनी ही टेस्टी है, और बहुत सॉफ्ट बनती है। आपको कोई भी यहाँ पे कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत नहीं है, कंडेंस मिल्क की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉफ़ी, चॉकलेट, उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स, इसके बाद में पाइनएप्पल फ्लेवर, टूटी फ्रूटी और रोज़, ये 6 फ्लेवर हमारे बनके रेडी हो गए हैं। तो आप भी इस तरह से बनाइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे कवर करके रख देंगे फॉइल पेपर से। तो इसे हमें 9 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देना है फ्रीज़र में। इस तरह से मैं सारे आइसक्रीम को कवर कर दूँगी, और इसे मैं 6 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 6 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए, मैं अभी आइसक्रीम को निकाल लेती हूँ फटाफट से। और ये देखिए, बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। तो ये हमारी पाइनएप्पल वाली बनके तैयार हो गई है। नेक्स्ट हम खोलेंगे रोज़ वाली, और ये देखिए, हमारी रोज़ वाली भी तैयार हो गई है। ये है ड्राई फ्रूट्स वाली, ये है चॉकलेट वाली, नेक्स्ट ये है टूटी फ्रूटी, और नेक्स्ट लास्ट वन होगी कॉफ़ी वाली।
तो ये देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया सी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। तो आप इस तरह से 6 आइसक्रीम बना सकते हो एक ही बैटर से फ्रेंड्स, और आपके घर में जिसको जो फ्लेवर पसंद है आप आराम से बना सकते हो। पर जैसे 1 लीटर का अमूल का मैंने पाउच लिया है, तो उसमें सिर्फ मैंने उसमें 2 कप का यूज़ किया और 2 कप में ये 6 फ्लेवर वाली आइसक्रीम आराम से बन जाती है फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में आप देख ही रहे हो बहुत ही आसान है। इसमें बिल्कुल भी कोई आपको एसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसे घर में बना सकते हो। तो इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए और अपना एक्सपीरियंस आर्टिस्टिक विजन पे ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे आप शेयर करिए अपने फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि हर कोई इसे आसानी से घर में इस तरह से बना सके। तो अगर आप एक बार इसे घर पे बनाओगे फ्रेंड्स, तो आप बाहर का मार्केट का नहीं लाओगे, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरह से आप भी बनाइए, इंजॉय करिए और अपना एक्सपीरियंस आर्टिस्टिक विजन पे ज़रूर शेयर कर दीजिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। बने रहिए आर्टिस्टिक विजन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।